मथुरा में चुनावी गतिविधियां धीरे धीरे जोर पकड़ रही हैं। जहां के जिला निर्वाचन अधिकारी जिलाधिकारी नितिन बंसल द्वारा गुरुवार को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में जनपद के सभी 5 विधानसभा क्षेत्रों के सेक्टर और जोनल मजिस्ट्रेटों की एक अहम बैठक ली गई। विधानसभावार ये बैठक सुबह से शुरू होकर शाम तक चली, जिसमें प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के जोनल और सेक्टर मजिस्ट्रेटों को चुनावी प्रक्रिया की जानकारी देते हुए प्रशिक्षित किया गया कि उन्हें चुनाव को स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए अपने दायित्वों का किस तरह से निर्वहन करना है। इसके साथ ही सेक्टर और जोनल मजिस्ट्रेटों को ये निर्देश भी दिया गया कि वे शुक्रवार से ही अपने क्षेत्रों का भ्रमण कर लें और मतदान केंद्रों सहित उनसे जुड़े क्षेत्रों की संवेदनशीलता को कम करने के लिए चुनाव को प्रभावित करने और मतदान से रोके जाने वाले लोगों से वार्ता कर ऐसा माहौल तैयार करें जिससे मतदाता निर्भीक होकर अपने वोट डाल सके। 5 विधानसभाओं के लिए जो हमारा विधानसभा निर्वाचन है उसके 5 विधानसभाओं में सेक्टर और जोनल मजिस्ट्रेट्स की तैनाती जो की गई थी उनके सभी की ट्रेनिंग आज कराई जा रही है। हमारे 204 सेक्टर मजिस्ट्रेट्स हैं, 37 जोनल मजिस्ट्रेट्स हैं, उनकी 3 चरणों में ट्रेनिंग कराई जा रही है। फिर उसके बाद उनके जो उनको क्षेत्र अलॉटेड है उसमें भ्रमण करने के निर्देश किया गया है। अगले 3 दिनों में उनका भ्रमण होगा, वो भ्रमण के जरिए जानेंगे कि वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर की क्या फैसिलिटीज़ हैं, वल्नरेबल वोटर्स जो हमारे चिन्हित किए गए हैं और जो समस्याएँ उनको नजर आएंगी वो संबंधित आरओ को बताएंगे, उनका निदान कराया जाएगा ताकि मतदान के समय इसमें कोई समस्या ना आए। सेक्टर मजिस्ट्रेट्स, जोनल मजिस्ट्रेट्स अपने क्षेत्र को पहचान लें, उनको ये पता चल जाए कि उनको किस क्षेत्र में जाना है, किन क्षेत्रों में उनको एक पोलिंग स्टेशन से दूसरे पोलिंग स्टेशन जाने में कितना समय लगता है, इस तरीके से ताकि वो लगातार भ्रमणशील रहते हुए उनको ये पता चल जाए कि उनके क्षेत्र में कितने बूथ हैं, किस तरीके से उनको जाना है और क्या उनके क्षेत्रों में समस्याएं आ सकती हैं, क्या उनको दिक्कतें आ सकती हैं, ताकि उनको समय रहते हम निदान कर सके। कुछ गुरु मंत्र भी लिए गए हैं, देखिए उनको बेसिकली बताया गया है कि इंफ्रास्ट्रक्चर को एक बार चेक कर लें, जैसे हमारे जो बूथ बने हैं उनमें बूथ नंबर लिखे जाने हैं, उनका नाम लिखा जाना है, मतदाताओं की कितनी संख्या है, बीएलओ से वो संपर्क कर लें, बीएलओ का फोन नंबर ले लें वो, फिर वहाँ पे फर्नीचर की क्या व्यवस्था है, बिजली की, पानी की क्या व्यवस्था है, जो मूलभूत सुविधाएं हमें वोटर्स को देनी है उनकी पहले से तैयारी हो जाए, अगर कहीं अभी बचा हुआ है तो उसको समय रहते हम पूरा कर पाए। इसके अलावा उनको ये भी बताया गया है कि जो रास्ते हमारे मतदाता जो पोलिंग पार्टीज हैं उनको ले जाने के लिए मतदान के दिन के लिए, तो उसके भी देख लें, उसमें अगर कहीं पुलिया में कोई समस्या है, कहीं रास्ते में कोई दिक्कत आ रही है, कोई रास्ता सकरा है तो उसमें कौन सी गाड़ी, छोटी गाड़ी भेजने की जरूरत है उसको भी चिन्हित करके दे दें ताकि सकुशल तरीके से मतदान करा सके। संवेदनशीलता और अति संवेदनशीलता को कम करने के लिए उनको क्या कुछ खास निर्देश दिए? देखिए संवेदनशील मतदाता भी हैं, हमारे कुछ क्षेत्र भी ऐसे हैं जो प्रभावित होते हैं, उन सभी को चिन्हित किया गया है मजिस्ट्रेटों द्वारा, पुलिस विभाग द्वारा मिल के बैठ के मीटिंग के जरिए उनको और क्षेत्रीय भवन में उनको चिन्हित किया गया, उनकी सूची इनको दी जाएगी, वो उन मतदाताओं से बात करें, उनमें कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स करें, जो कारक हैं इन चीजों के उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई भी की जा रही है, पर कोशिश यही की जा रही है कि इन मतदाताओं के अंदर एक भरोसा हम जागृत कर सके कि उनको मतदान करने में भयमुक्त वातावरण मिल सके। धन्यवाद। अभी तक हमारे साथ रहे जिला निर्वाचन अधिकारी जिलाधिकारी नितिन बंसल, जिनके द्वारा यहाँ पर प्रशिक्षण दिया गया जोनल और सेक्टर मजिस्ट्रेट्स को, जो संपन्न कराएंगे निर्वाचन को, 11 तारीख को होने वाले निर्वाचन को। अब एक महीने से भी कम समय शेष रह गया है, उनसे ये कहा गया है कि वे अपने क्षेत्रों का जाकर के भ्रमण करें, लोगों के साथ बैठकें करें और जहाँ कहीं जो कमियाँ हैं उनको दूर करें। न्यू न्यूज़ के लिए कैमरा पर्सन राजेश सोलंकी के साथ योगेश खत्री।